नमस्कार दोस्तों, MNC Education welcomes you all. In today's class, we are going to do some MCQs of trigonometric function, जो कि आपका second term का syllabus है. तो हम जो है आज से question की भी series इसी के साथ, इस video session के साथ हम questions की भी series शुरू कर रहे हैं. मतलब आज से ये हो गया कि MCQs की ये सीरी सेशन है, ये MCQs का सेशन है. अब जो है जैसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ट्रू फॉल्स वाले भी आएंगे, और उसके बाद जो है हम शॉर्ट आंसर टाइप वाले करेंगे और फिर लॉन्ग आंसर टाइप वाले भी करेंगे. तो इस तरह से आज से क्वेश्चंस से रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन किस तरह के आएंगे आपके जो एग्जाम होंगे टर्म टू के, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए अब हमारी तैयारी शुरू हो गई. इसीलिए बहुत अच्छे से और अंत तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चले कि क्या पैटर्न आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और साथ ही आपकी तैयारी भी हो जाए उस सब्जेक्ट में कि चलो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमारा आंसर कैसा होगा, हमें क्या लिखना है, कौन से क्वेश्चंस के लिए कैसे आंसर्स देने हैं हमें उसके लिए. तो हमारे पास यहाँ पर आज से जो है MCQs, इस आज के सेशन में हम MCQs करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम. तो हम देखते हैं कि आज के सेशन में कितना क्वेश्चंस हम कर सकते हैं. अगर बहुत कम क्वेश्चन हो पाएगा तो हम जो है इसके फिर दूसरे सेट में हम आएंगे, दूसरे सेशन में आएंगे MCQs लेके. तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन वन है, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू -4/3 then sin theta is. Very tricky question, क्योंकि tan theta अगर -4/3 कह रहे हैं ये, तो sin theta की value निकालनी है. तो हमारे पास जो है हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं, उसमें से एक तरीका ये है कि हम triangle बना लें. अगर हम triangle बना लेते हैं, मान रखिए, तो triangle में हमारे पास क्या होगा, हम minus को तो accommodate नहीं करेंगे क्योंकि length of side तो हमारा negative नहीं हो सकता है. तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और उसके बाद हम जैसे ये बेस मान लेते हैं और ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं. तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड इनके लिख देते हैं, तो 4/3 हो गया. ठीक है, उसके बाद जो है इन दोनों को अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 16 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा. तो 16 + 9 = 25 हो गया. 25 का स्क्वायर रूट कराएंगे तो हमें प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन हमें लिखना 5 है. ठीक है, तो यानी कि हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी आ गई, 5. ठीक है, अब जो है हमें साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, तो P/H यानी कि हमें ये दोनों लेना है साइन थीटा के लिए. अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास टेन थीटा नेगेटिव दिया हुआ है. टेन थीटा नेगेटिव कब होता है, टेन थीटा नेगेटिव होता है, इस नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि ये या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इन दोनों में से कोई भी क्वाड्रेंट में ये हो सकता है. ठीक है, अब साइन का हम देखते हैं कि इन दोनों क्वाड्रेंट्स में क्या पोजीशन रहता है, क्या साइन रहता है, मतलब वो नेगेटिव रहता है या पॉजिटिव रहता है. तो हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव रहता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाता है. तो हमें एक जगह तो +4/5 आएगा और दूसरी जगह हमें जो है, एक जगह +4/5 आएगा, दूसरी जगह हमें -4/5 लेना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए. तो हमारे पास दोनों ही वैल्यूज आएंगी, मतलब -4/5 भी आएगा और 4/5 भी आएगा. 4/5 किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और -4/5 किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ये वाला हो जाएगा बी. ठीक है, तो आप देखिए बहुत ध्यान से समझिए, इसमें अगर कोई कंसेप्ट में कुछ दिक्कत आ रही है तो बताइए, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, ये समझ में नहीं आया. अगर आपको इसके एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत है, क्योंकि हम ट्रायंगल के थ्रू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसे हम फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, पर वो बहुत लेंदी मेथड हो जाता है. तो MCQs के लिए जनरली वी गो फॉर द शॉर्टेस्ट वे, जो सबसे छोटा वे आपको लगता है वही वे आप जाएंगे, क्योंकि आपका ये देखेंगे नहीं कि आपने क्या सॉल्यूशन किया है, कैसे किया है, मतलब
हाउ यू हैव डन द सोल्यूशन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दैट. आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए. एज फार एज योर आंसर इज करेक्ट, देर इज नो प्रॉब्लम. दे विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस. हाउ यू हैव फॉर्म्ड, हाउ यू हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन, दे विल नॉट आस्क. ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं. क्वेश्चन टू लेंगे अभी. क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं. क्वेश्चन नंबर टू है, इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन ए बी एंड सी सेटिस्फाई द रिलेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए सी इज इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए सी इज इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए सी इज इक्वल टू जीरो. तो हम जो है यहां पर कैसे पता करेंगे कि कौन सा रिलेशन जो है ए बी एंड सी के द्वारा सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, तो हम जो है कैसे करेंगे, तो यहां पर जो है देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा क्या दिया हुआ है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है, इसका रूट्स है. ठीक है, ये इसका रूट्स है. और अगर हम इसको अल्फा और इसको बीटा मान लें तो हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय ए के बराबर. अब यहां माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बी बाय ए हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो होगा ना वो हो जाएगा बी बाय ए के बराबर. ठीक है, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा. साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सी बाय ए के बराबर. तो सी और बाय ए. ठीक है, तो ये है. अब हमें क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा को यहां से इलिमिनेट कराना है. तो अगर आप देखिए तो ये एक इक्वेशन है हमारे पास और ये एक दूसरा इक्वेशन है हमारे पास. तो हम जो है इसको अगर स्क्वायर कराएंगे ना तो उसमें जो है 2ab आएगा, 2a, a मतलब साइन थीटा हो जाएगा और b कॉस थीटा हो जाएगा. तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, जब आप इसको स्क्वायर कराएंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ठीक है, इतना तो ठीक है, समझ में आ गया आपको. और ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. ठीक है, बिल्कुल. अब जो है यहां पर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना देगा, 1, और प्लस में 2 है इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज सी बाय ए, तो 2 सी बाय ए हो जाएगा. और ये इक्वल टू किसके है, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के. ठीक है, अब जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है एक पूरा इक्वेशन की तरह है. तो हम जो है यहां पर क्या कर सकते हैं, थ्रू आउट ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं. तो थ्रू आउट ए स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा. फिर 2c इंटू ए स्क्वायर बाय ए, तो 2ac हो जाएगा. और यहां पर बी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब जो है बी स्क्वायर को इधर ले आइए, क्योंकि आपके पास सभी में जो है देखिए राइट साइड में क्या है, 0 है, तो हमें जो है यहां पर भी 0 लाना पड़ेगा. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 0. अब आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है. तो ऑप्शन वाइज अगर देखिए तो ये बी ऑप्शन के बराबर है, तो बी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा. ये बी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करेंगे. यहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमने यहां पर यूज किया है. ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज, ऑप्शन है 1, 2, रूट 2 एंड 1 बाय 2. हम देखते हैं इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है.
तो अगर आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए कहते हैं किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के प्रोडक्ट का, तो हम क्या अप्रोच लगाएंगे? अब ग्रेटेस्ट की जगह वो मिनिमम वैल्यू भी कहेंगे, तब भी हमें जो है यही मेथड लगाना होगा जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप बहुत ध्यान से समझिए कि ये मेथड क्या है, कि आप जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालेंगे किसी प्रोडक्ट ऑफ टू, जो है इसमें भी साइन और कॉस का प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है तो हम जो है इसके लिए क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू या लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम इसको एक रेशियो में चेंज करने की कोशिश करते हैं कि मान रखिए ये साइन में चेंज हो जाए या कॉस में चेंज हो जाए या कोई भी एक रेशियो में चेंज हो जाए, क्योंकि हमें अगर एक रेशियो में ये चेंज हो जाता है तो फिर हमें एक रेशियो की तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता है, जैसे साइन और कॉस दोनों की मिनिमम वैल्यू जो है माइनस वन और मैक्सिमम वैल्यू वन, उसी तरह से टैन और कॉट है तो माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम कॉसेक और सेक का देखना चाहेंगे तो हमारे पास जो है मिनिमम वैल्यू उसमें भी माइनस इंफिनिटी ही है और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है। ये बात अलग है कि माइनस वन और वन के बीच की वैल्यू उसमें आती नहीं है, तो वो सेक थीटा कॉसेक थीटा के लिए है। तो हम जो अगर साइन थीटा कॉस थीटा का प्रोडक्ट में आया है तो हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, तो यहां पर देखते हैं एक रेशियो में चेंज करना है, या तो हम साइन थीटा में चेंज कर दें या कॉस थीटा में कर दें। तो हम अगर टू से मल्टीप्लाई करा देंगे ना इसको, तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन टू थीटा, आपको पता है। तो हम जो है टू से अपने आप तो मल्टीप्लाई कराएंगे नहीं, क्योंकि हमें जो है साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो वन बाय टू से हम मल्टीप्लाई करा देंगे और अंदर टू से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहां पर क्या आ गया, वन बाय टू, और ये आ गया साइन टू थीटा, ठीक है। अब साइन टू थीटा अगर हमें मिल चुका है तो हम जो है साइन टू थीटा की मिनिमम वैल्यू पता है कि माइनस वन होता है और मैक्सिमम वैल्यू वन होता है। तो इस तरह से जो है हम अगर मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू इज मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, इस वन के कारण आएगा, तो वन बाय टू विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इस तरह से इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, वन बाय टू, ठीक है। अगर ये मिनिमम वैल्यू पूछते, मतलब लीस्ट वैल्यू पूछते, तो माइनस वन बाय टू हो जाता हमारा आंसर। तो इस तरह से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान टेक्निक है, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इज, ऑप्शन है माइनस 3/60, 5/60, 3/60 एंड 1/60। इनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा हमारे लिए। तो हम जो है इसमें क्या करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, सारे साइन वाले हैं, अगर सारे कॉस वाले होते तो वी हैव डिफरेंट टेक्निक। अभी जो है फिलहाल हमें एक जो टेक्निक हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वही टेक्निक आपको लगाना है इसमें। सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप इस साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिख दीजिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3/2, तो वो लिख दीजिए आप। फिर हम लिखेंगे साइन 20 डिग्री। अब देखिए ये जो साइन 40 डिग्री है और साइन 80 डिग्री है, तो हम साइन 40 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है। और 80 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री और प्लस में 20 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों में वो आ गया कॉमन टाइप, ठीक है। तो हमारा पर्पस यही रहता है कि कुछ ऐसा करो जो कि जैसे यहां देखिए तीन टर्म्स में लिखा हुआ 20 है, 40 है और 80 है, तीन टर्म्स से यहां दो टर्म्स में आ गए, और उसमें भी एक टर्म की वैल्यू हमें पता है, मतलब 60 डिग्री पे
अगर कोई इंडिविजुअल आ जाएगा तो हम पता कर लेंगे उसकी वैल्यू। तो यहां पर साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख देंगे 40 डिग्री को, और 80 डिग्री के लिए 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री यूज कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। आई डोंट नो कि आपको याद है कि नहीं है। ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी का। वो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब यहां पर 60 डिग्री को आप ए लेंगे और इसको आप बी लेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और यहां पर ये बी हो जाएगा। तो ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, तो साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर और बी मतलब 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए, ये देखिए, इसीलिए हम नॉन एंगल में, मतलब जिसकी जानकारी है हमें, जिसकी वैल्यू हमें पता है, तो नॉन एंगल वाली वैल्यू में हम चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर जो हमने कर लिया, तो ये आ गया आपका क्या आ गया, रूट 3/2 आ गया और इंटू में साइन 20 डिग्री हो गया। ठीक है, और इंटू में साइन स्क्वायर 60 डिग्री जो है, तो रूट 3/2 तो एक वैल्यू लिखी ही है हमने साइन 60 के लिए, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रूट 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में साइन स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारे पास जो 20 डिग्री वाले टर्म्स में ही सारे आ गए, बाकी हमें कांस्टेंट टर्म आ गया, तो अब हमारा काम आसान हो गया रिलेटिवली। आप देखिए, इसको रूट 3/2 है। ठीक है, अब जो है ये हमारा बन जाएगा 3/4। ठीक है, और साइन 20 को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर, तो ये बन जाएगा 3/4 साइन 20 डिग्री। ठीक है, और माइनस बन जाएगा साइन क्यूब 20 डिग्री, साइन क्यूब 20 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, हमें जो है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, 3 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। तो साइन थीटा है, 3 भी है, 4 भी है, यहां नीचे ये हम एलसीएम लेंगे तो यहां आ जाएगा। ठीक है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं और फिर जो है हम इसको यहां पर जैसे एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 यहां पर से हमारा इधर को शिफ्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा, तो जो होल अपॉन 4 है वो होल अपॉन 4 बन जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब 3 sin 20 डिग्री माइनस 4 sin³ 20 डिग्री जो है वो हमारा हो जाएगा साइन 3 × 20 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया रूट 3/2 है इंटू 4 है, तो ये बन जाएगा 8 और इंटू में आ जाएगा साइन 60 डिग्री फिर से। ठीक है, साइन 60 डिग्री रूट 3/2 होता है, तो हम रूट 3 × √3 तो 3 और 8 × 2 तो 16, तो 3/16 लिख देंगे, जो कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए आप, सी ऑप्शन करेक्ट है 3/16। तो इस क्वेश्चन को हम इसी तरह से अटेम्प्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल है और ट्रिकी है, तो आप देख लीजिए कि इसमें क्या ट्रिक आपको लगाना है और कैसे लगाना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वैल्यू ऑफ कॉस 5/5, कॉस 2/5, कॉस 4/5, कॉस 8/5 इज, ए है 1/16, बी है 0, सी है -1/8, डी है -1/16। हमें ये पता करना है कि क्या आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए, अभी हमने साइन का एक सीरीज टाइप का किया था, उसमें था 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 था, फिर 80 था। 60 की तो हमने डायरेक्ट वैल्यू लगा दी थी। उसके बाद हमने जो काम किया था वो हम यहां बिल्कुल नहीं करेंगे। ये कॉस है, कॉस वाले का अप्रोच अलग होता है, साइन वाले का अप्रोच अलग होता है। साइन वाले का अप्रोच आपने देख लिया। यहां पर हमें क्या करना है कि कॉस 5/5 है ना,
कॉस पाई बाय फाइव लीजिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं साइन पाई बाय फाइव और फिर टू से, तो आपके पास ये टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाता है। देखिए आप, तो ये साइन टू पाई बाय फाइव हो जाएगा, ठीक है, इतना तो ये समझ में आ गया होगा। तो लेकिन हमने ये चीज जो है खुद से मल्टीप्लाई करा दिया है, तो हमें जो है यहां पर क्या करना होगा, टू साइन पाई बाय फाइव से मल्टीप्लाई किया है तो हमें डिवाइड भी कराना पड़ेगा, तो हमने टू साइन पाई बाय फाइव से डिवाइड भी करा दिया, ताकि हमारा रिजल्ट जो एंड रिजल्ट है वो सेम रहे, वो डेविएट ना हो जाए, ये वो अलग ना बन जाए, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास कॉस टू पाई बाय फाइव है, कॉस टू पाई बाय फाइव है इंटू कॉस फोर पाई बाय फाइव है और फिर इंटू कॉस एट पाई बाय फाइव है, एट पाई बाय फाइव है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हमारा एक सीरीज टाइप का चलेगा, जैसे टू साइन पाई बाय फाइव तो ठीक है यहां तक हो गया, इंटू में टू साइन थीटा कॉस थीटा एट साइन टू थीटा, तो साइन टू पाई बाय फाइव हो गया। अब जो है हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे इस वाले को अब ये जो आया है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब कॉस टू पाई बाय फाइव से मल्टीप्लाई करा देंगे। एक चीज की फिर भी कमी रह गई, वो कौन सी चीज है, तो वो है टू, तो यहां पर टू लगा देंगे। अब ये टू लगाएंगे तो ये स्क्वायर बना देंगे, क्योंकि हमें डिवाइड भी कराना पड़ेगा, तो यहां ऑलरेडी एक टू था तो हमने टू स्क्वायर बना दिया, यानी कि फोर बना दिया, हम उसको फोर लिख देंगे अगले स्टेप में, ठीक है। अब हमारे पास यहां तक बात पहुंच गई कि हमने ये यूज कर लिया, कॉस फोर पाई बाय फाइव है और इंटू में कॉस एट पाई बाय फाइव भी आ गया है हमारे पास, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हमें ये एक फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का साइन टू थीटा, तो ये हो जाएगा वन बाय फोर साइन पाई बाय फाइव, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा साइन फोर पाई बाय फाइव, ठीक है, और ये कॉस फोर पाई बाय फाइव उधर से ले लीजिए ये वाला, ठीक है, फोर पाई बाय फाइव भी ले लिया हमने, फिर टू की कमी है तो यहां टू भी डाल दीजिए, यानी कि एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहां पर इंटू टू करा दीजिए, क्योंकि फोर पे स्क्वायर नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि वो फिर फोर से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करने जैसा हो जाएगा, अभी हमें टू से ही डिवाइड कराना है, तो टू इंटू लगा दिया बगल में, ताकि वो अगले स्टेप में हम एडजस्ट कर लेंगे। अब ये एक फॉर्मूला बन गया और हमारा ये वाला बचा रह गया, तो ये कॉस एट पाई बाय फाइव आप यहां से कॉपी कर दीजिए, ठीक है। अब जो है ये आ गया वन बाय एट साइन पाई बाय फाइव, ठीक है, इंटू में आ जाएगा साइन एट पाई बाय फाइव, ठीक है, इंटू में कॉस एट पाई बाय फाइव है, लास्ट में देखिए यहां पर एट पाई बाय फाइव है, टू से मल्टीप्लाई कराइए तो टू से यहां भी मल्टीप्लाई करा दीजिए, एट टू जो सिक्सटीन हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा साइन सिक्सटीन पाई बाय फाइव, तो यहां पर आ गया वन बाय सिक्सटीन साइन पाई बाय फाइव और इधर आ गया साइन सिक्सटीन पाई बाय फाइव, सिक्सटीन पाई बाय फाइव आ गया। अब सिक्सटीन पाई बाय फाइव को हम अगर ब्रेक करके लिखेंगे तो वो क्या लिख सकते हैं, यहां वन बाय सिक्सटीन तो ठीक है, साइन पाई बाय फाइव भी ठीक है, और फिर फर्दर हमें जो है साइन सिक्सटीन पाई बाय फाइव को हम लिख सकते हैं साइन थ्री पाई प्लस पाई बाय फाइव, ठीक है। अब साइन थ्री पाई प्लस पाई बाय फाइव, तो हमारे पास यहां पर क्या होता है, ये थ्री पाई वाली लाइन यहां पर है, ठीक है, उसमें हमने प्लस किया तो हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और थ्री पाई चूंकि हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन का है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है, तो हमारा रेशियो सेम रहेगा, रेशियो सेम रहेगा,
मतलब हम जो है साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 5 में साइन पाई बाय 5 लिख देंगे और थर्ड क्वाड्रेंट के चक्कर में माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिक बात आ गई कि ये जो साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 5 है वो क्या बन जाएगा, ये तो माइनस 1/16 साइन पाई बाय 5 तो है ही हमारे पास, और इनटू में माइनस साइन पाई बाय 5 हो जाएगा, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये साइन पाई बाय 5, ये साइन पाई बाय 5, यहां माइनस बचा हुआ रह गया जो कि 1 के साथ लग जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 1/16। ठीक है, तो माइनस 1/16 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शंस देखते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए ये है कंप्लीट वे इसको सॉल्व करने का। तो हमने देखा कि साइन में अगर हो तो हमें क्या करना है, कॉस में अगर इस तरह की बात हो रही है तो हमें क्या करना है। तो हमने आज के इस सेशन में 5 एमसीक्यूज किए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से किसी के भी आने के चांसेस इक्वली लाइकली, मतलब बहुत ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसीलिए इनको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इनके बेसिस पर आपके क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर आप इनके अंदर जो कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है अगर आप उसको समझ पा रहे हैं तो आप इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही जल्द हम अगले एमसीक्यू के सेट के साथ मिलेंगे। जैसे मैंने बिगनिंग में बताया था, अगर हम कम क्वेश्चन डिस्कस कर पाए तो हमें इसको सेट्स में बांट के करना पड़ेगा, तो हम छोटा छोटा बनाते हैं, 5-5 क्वेश्चंस के बना लेंगे, या 5 फिर 10 फिर 15, या जैसे जितने क्वेश्चंस बनते हैं हम उस तरह से करेंगे, पर हम छोटा रखेंगे ताकि आपको भी समझने के लिए टाइम मिले, आसानी से आप समझ पाए, क्योंकि चीजें देख लेने से समझ लेने से बात तब बनेगी ना जब वो आपको रिटेन हो, तो समझ लेंगे तत्काल में, अगर हम रिटर्न नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए हम जो है अब छोटे छोटे पे काम करेंगे, और ताकि आपको जो है जो चीज आप करें वो रिटर्न रह जाए। बहुत ही जल्द मिलेंगे। अगर आपने MNC एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसके द्वारा MNC एजुकेशन चैनल के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाए तो उसकी जानकारी आपको तत्काल मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।